अध्याय 22। इस पर यीशु फिर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया और उसने अपने दासों को भेजा कि नेवताहारियों को विवाह के भोज में बुलाएं, परंतु उन्होंने आना न चाहा। फिर उसने और दासों को ये कहकर भेजा कि नेवताहारियों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूं और मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं और सब कुछ तैयार है, विवाह के भोज में आओ। परंतु वे उपेक्षा करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को। औरों ने जो बच रहे थे उसके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। राजा ने क्रोध किया और अपनी सेना भेजकर उन हथियारों का नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया। तब उसने अपने दासों से कहा, विवाह का भोज तो तैयार है परंतु नेवताहारी योग्य नहीं ठहरे, इसलिए चौराहों में जाओ और जितने लोग तुम्हें मिलें सबको विवाह के भोज में बुला लाओ। सो उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठे किया और विवाह का घर जेवनहारों से भर गया। जब राजा जेवनहारों को देखने को भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहां क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत परंतु चुने हुए थोड़े हैं। तब फरीसियों ने जाकर आपस में विचार किया कि उसको किस प्रकार बातों में फंसाएं। सो उन्होंने अपने चेलों को हेरोदियों के साथ उसके पास ये कहने को भेजा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से सिखाता है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्यों का मुंह देखकर बातें नहीं करता। इसलिए हमें बता, तू क्या समझता है, कैसर को कर देना उचित है कि नहीं? यीशु ने उनकी दुष्टता जानकर कहा, हे कपटियों, मुझे क्यों परखते हो? कर का सिक्का मुझे दिखाओ। तब वे उसके पास एक दीनार ले आए। उसने उनसे पूछा, ये मूर्ति और नाम किसका है? उन्होंने उससे कहा, कैसर का। तब उसने उनसे कहा, जो कैसर का है वो कैसर को और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। ये सुनकर उन्होंने अचंभा किया और उसे छोड़कर चले गए। उसी दिन सदूकी जो कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं, उसके पास आए और उससे पूछा, हे गुरु, मूसा ने कहा था कि यदि कोई बिना संतान मर जाए तो उसका भाई उसकी पत्नी से विवाह करके अपने भाई के लिए वंश उत्पन्न करे। अब हमारे यहाँ 7 भाई थे, पहला विवाह करके मर गया और संतान न होने के कारण अपनी पत्नी को अपने भाई के लिए छोड़ गया। इसी प्रकार दूसरे और तीसरे ने भी किया और 7 तक यही हुआ। सबके बाद वो स्त्री भी मर गई, सो जी उठने पर वो उन 7 में से किसकी पत्नी होगी, क्योंकि वो सबकी पत्नी हो चुकी थी। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ नहीं जानते, इस कारण भूल में पड़ गए हो, क्योंकि जी उठने पर विवाह शादी न होगी, परंतु वे स्वर्ग में परमेश्वर के दूतों की नाई होंगे। मरे हुओं के जी उठने के विषय में क्या तुमने ये वचन नहीं पढ़ा जो परमेश्वर ने तुमसे कहा कि मैं इब्राहिम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूं? वो तो मरे हुओं का नहीं परंतु जीवतों का परमेश्वर है। ये सुनकर लोग उसके उपदेश से चकित हुए। जब फरीसियों ने सुना कि उसने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया तो वो इकट्ठे हुए और उनमें से एक व्यवस्थापक ने परखने के लिए उससे पूछा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण
और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान ये दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये ही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्य वक्ताओं का आधार है। जब फरीसी इकट्ठे थे तो यीशु ने उनसे पूछा, मसीह के विषय में तुम क्या समझते हो, वो किसकी संतान है? उन्होंने उससे कहा, दाऊद की। उसने उनसे पूछा, तो दाऊद आत्मा में होकर उसे प्रभु क्यों कहता है? कि प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दहिने बैठ जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पावों के नीचे न कर दूं। भला जब दाऊद उसे प्रभु कहता है तो वो उसका पुत्र क्यों कर ठहरा? उसके उत्तर में कोई भी एक बात न कह सका, पर उस दिन से किसी को फिर से उससे कुछ पूछने का हियाव न हुआ।